this channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions please take advice from your financial advisor we are not responsible for any of your profit and losses so वेरी गुड इवनिंग गाइस वेलकम बैक टू आर चैनल उम्मीद है आप सभी के ट्रेडिंग डेज अच्छे जा रहे होंगे अगर नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा आपको काफी मदद मिलेगी अपनी ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव करने में और अपने लिए एक अच्छे से अच्छा स्टॉक पाने में तो चलिए जो हमने आपके लिए चार स्टॉक्स निकाल के दिए थे उनके मैं रिव्यू आज कर दूंगा सबसे सब पहला स्टॉक मैंने आपके लिए चुना था वो था बीबीटीसी तो इसमें हमारा क्या हुआ बाय साइड का एक ही टारगेट प्राइस अचीव हो पाया और कुछ टू टू थ्री पॉइंट्स अब ये गया उससे उसके अलावा यहाँ जाके इसमें खाली जो है हमारे

कि पहला का जो मिनट था उसमें ये स्टॉक जो है ऊपर बढ़ा उसके बाद डाउन आया फिर दोबारा से आपका जो है जैसा मैंने कहा था पहला का मिनट आपको छोड़ना अगर आपने छोड़ा होगा पहले मिनट में ट्रेड ले लिया होगा तो आपको ये लगा होगा कि ये मार्केट डाउन आ जाएगा बट ये है, पहले मिनट में ट्रेड नहीं लिया होगा तो दोबारा से जब मार्केट बढ़ा तब आपने इसे बाय किया होगा उसके बाद इसने अपने दो टारगेट प्राइस यहाँ जाके इजीली अचीव कर लिए थे दोनों टारगेट प्राइस अचीव होने के बाद ज्यादा इसने क्या मूवमेंट दिखाई नहीं फ्लैट मार्केट पे चला एट दी एंड जब मार्केट क्लोज होने वाला था ये डाउन वाइज ने हमारा जो है शॉर्ट सेलिंग का लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट किया लेवल ब्रेकआउट होने के बाद इसने हमारा ना ही स्टॉप लॉस टच किया और ना ही टारगेट टच किया एट दी एंड जाके ये हमारे जो शॉर्ट सेलिंग का लेवल है सिर्फ थ्री पॉइंट डाउन जाके क्लोज हुआ तो बट मार्केट क्लोज हो गया था अगला था हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे स्टॉक दिया था दो स्टॉक दिए थे एच और अडानी ट्रांस अडानी ट्रांस की मैं बात करूँ तो शॉर्ट सेलिंग के सारे टारगेट प्राइजे ने इजीली अचीव कर लिए थे बल्कि बाई साइड का भी एक टारगेट प्राइज इसने यहाँ जाके अचीव कर लिया था शॉर्ट सेलिंग साइड के तो एट दी एंड में यहाँ जाके सारे टारगेट प्राइजेस में अचीव कर लिए थे हल्का सा होल्ड आपको लेना पड़ा होगा क्योंकि मार्केट में आज तेज़ी नहीं थी जैसे कि होती है और एकदम से शुरुआत में नीचे आया उसके बाद इसने थोड़ा सा अप डाउन किया लगभग लगभग पाँच पॉइंट का अप और पाँच पॉइंट का डाउन ही लगभग इसने इतना किया उसके बाद हमारा जो है टारगेट अचीव हो गया था तो आपको तीनों टारगेट प्राइस अचीव होने के बाद आप ट्रेड से बाहर आ गए होंगे आखिरी स्टॉक था हमारा एच जिसमें आपने क्या होगा पहले तो स्टॉक जो था गैप अप ओपन हुआ पहले मिनट में इसने काफ़ी हाई बनाया बट गैप अप ओपन था तो इसलिए आप इसे बाय नहीं कर पाओगे शॉर्ट सेलिंग करा होगा दो टारगेट प्राइस यहाँ जाके इजिली अचीव हो गए होंगे उसके बाद दोबारा आपको बाय का मौका मिला होगा और तीनों टारगेट प्राइस यहाँ जाकर आपके इजिली अचीव हो गए होंगे तो आपको ज़्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत पड़ी नहीं होगी तो बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मॉर्निंग में फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड रेंज में भी स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूं जो कि आपको मिनिमम टेन टू मैक्सिमम ट्वेंटी प्लस पॉइंट्स आपको डेली के दे जाते हैं बाइंग और शॉर्ट सेलिंग में ला जिसमें आप इजीली अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आप हमें जरूर कर लीजिएगा टू की रेंज में स्टॉक्स पाने के लिए तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वे, हम आपके लिए नाइन मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहला है स्टॉक है हमारा ग्रेसिम जिसे आप बाय करके चलेंगे थर्टीन हंड्रेड फोर्टी एट पॉइंट फाइव जीरो पे टारगेट रहेगा थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी थ्री थर्टीन हंड्रेड सिक्सटी और थर्टीन हंड्रेड सेवनटी का ये जो मैंने आपके लिए टारगेट्स निकाले हैं ये नजर रखते हुए निकाले हैं कि अगर स्टॉक जो है ज़्यादा मूवमेंट भी ना दे पाए तो भी इन तीनों टारगेट तक पहुंच ही जाए किसी भी हालत में इसलिए मैंने ये टारगेट जो है थोड़ा सा छोटा किया हालांकि ये बड़ा स्टॉक है इसमें टारगेट और बड़े हो सकते थे बट जो मूवमेंट आज दिखाई है उसके हिसाब से मैंने टारगेट निकाले तो स्टॉपलस रहेगा आपका थर्टीन हंड्रेड एंड थर्टी एट का यानी कि थर्टीन हंड्रेड थर्टी सेवन पॉइंट फाइव रो पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे एग्जैक्ट थर्टीन हंड्रेड थर्ट पर अपना लॉस नहीं लगाएंगे और देखिए बाय ना करने का रीजन ये है कि सबसे पहले अगर स्टॉक जो है इस लेवल पे आने के बाद अगर डाउन आ जाता है मान लीजिए सपोज कीजिए इस लेवल पे आता है ग्रेसिम का थर्टीन हंड्रेड फोर्टी एट पर और उसके बाद डाउन हो जाता है तो आप क्या करते हैं बाय करके बैठ जाते हैं और आपका जो है एसेल हिट हो जाता है तो कभी कभार इस लेवल का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है लेवल का ब्रेकआउट हुए बिना आप इसे बाय नहीं करेंगे

बड़े स्टॉक्स हैं उनमें 11 बजे तक आप वेट कर सकते हैं उसके गैप रिफिल होने का गैप रिफिल कैसे होगा बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पे भी वो एक मिनट का होल्ड लेगा कहीं पे भी यानी कि अगर ये स्टॉक जो है कहीं पे भी गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो ये थर्टीन हंड्रेड भी होल्ड ले सकता है और थर्टीन हंड्रेड थर्टी भी ये होल्ड ले सकता है वो भी आपका जो है गैप रिफिल में माना जाएगा तो ये कन्फ्यूजन मत होइएगा कि बीच में ही होल्ड लेगा बीच में ऐसा कुछ नहीं है बस बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पर दोबारा से लेवल पिक आउट करेगा आप उसे बाय कर सकते हैं बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मॉर्निंग में दो कॉल्स हम वहीं प्रोवाइड तो हम वहीं प्रोवाइड करते हैं और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा फोर तो टू 700 की रेंज में स्टॉक्स में मॉर्निंग में व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करता हूं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं रोज डेली के टेन टू फिफ्टीन पॉइंट्स आप कमा सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम की कोई रीच नहीं है ट्वेंटी फाइव प्लस भी चल जाता है कभी हंड्रेड प्लस भी चल जाता है तो uh, मैक्सिमम की कोई रीज नहीं है मिनिमम मैं आपको टेन टू फिफ्टीन पॉइंट बता रहा हूँ कि डेली आप अर्न कर सकते हैं डेली बेसिस में मैं स्क्रीनशॉट भी अपलोड करता हूँ तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो गया वो वो भी चेक कर सकते हैं और हमारे लेवल्स अगर आपको चेक करने तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर में आप आपका कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा जॉइन अगला स्टॉक है हमारा हेवल जैसे आप बाय करके चलेंगे जब आप लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा अलेवन हंड्रेड नाइनटीन का टारगेट रहेगा एलेवन हंड्रेड ट्वेंटी फोर इलेवन हंड्रेड थर्टी टू इलेवन हंड्रेड फोर्टी टू का स्टॉपलस रहेगा एवन हंड्रेड नाइन का शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट होगा आपका एलेवन हंड्रेड एट का टारगेट रहेगा एलेवन हंड्रेड थ्री 1095 और 1088 का स्टॉप लॉस का आपका 1118 का इसमें भी लेवल्स ब्रेकआउट होंगे जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ग्रेसिंग में वैसे सेम रूल इसमें भी फॉलो होंगे व्हाट्सएप में भी फॉलो होंगे और टेलीग्राम चैनल में भी फॉलो होंगे आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आप इस चैनल पर नहीं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा 916 से अपनी ट्रेड को शुरू कीजिएगा 915 पे एग्जैक्ट अपनी ट्रेड शुरू मत कीजिएगा एक मिनट में उसे फ्लक्चुएट करने दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा ज्वाइन जरूर हो जाएगा तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ